सर एक्चुअली मेरे को इतना लॉस हुआ कि मैं अगर क्रोकोडाइल स्टेट से अगर मैं तो सिर्फ आगे सर इन फ्यूचर क्रोकोडाइल पे ही ज्यादा काम करूंगा। और सर मैं ये विश्वास आ गया मेरे अंदर साइकोलॉजी से कि मैं एक या दो साल के अंदर फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊंगा जॉब छोड़ के। उसके के बाद काम करने के बाद मुश्किल से सर 30-40,000 मिलते हैं। सर क्या होता था पहले, क्या देखो ये आगे बढ़ा बीच में कहीं भी एंट्री ले लेते थे, तब सालों नीचे चला जाता था, पता ही नहीं चलता था और लॉस होते जाता था। बराबर है। आई लॉस अराउंड, मैं कई बार सर अभी तक मेरा लॉस 3 लाख रुपए का हो चुका है, लेकिन अब मैंने सोच लिया है नहीं, छोटे से चालू करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, एक साल भले ही कमाऊंगा नहीं लेकिन घाटा नहीं होना चाहिए ज्यादा। बराबर। उसके बाद एक बार जब सर आ जाएगा तो फिर बड़े ब्लॉक से खेले के सब करेंगे। बराबर। तो आपकी वजह से मुझे ये आ गया कि कहाँ एंट्री करनी है कहाँ नहीं करनी है, जो सबसे जरूरी है। परफेक्ट। टीवी देखता था सर, आज बोला रिलायंस बढ़ेगा, उनने गिरा दिया, मेरे को मालूम था गिरेगा, गिरे पे देखो आप। मुंबई से सर आज तक हम लोग जहाँ पे एंट्री लेते थे बाय करते थे वहां से मार्केट गिरता था, और जहाँ से सेल करते थे वहां से मार्केट ऊपर जाता था। समझ में ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है अपने साथ, लेकिन ये आपका कोर्स करने के बाद बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया इसमें कैसे ऑपरेटर्स गेम होता है, कैसे प्राइस एक्शन होता है, मार्केट कहाँ से कहाँ पे जाता है, तो जो डिटेल्स बिल्कुल समझ में आ गए। और जो स्ट्रेटेजी का जहाँ तक बात है, त्रिशूल स्ट्रेटेजी मेरे को बहुत पसंद आई। त्रिशूल स्ट्रेटेजी, पावर प्ले 1, पावर प्ले 2 और क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी, ये इस पे मैं 2-3 ये स्ट्रेटेजी पे कंसंट्रेट करके काम करना चाहूंगा, और बहुत कॉन्फिडेंस आया है और मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर अल्पेश जी, अल्पेश जी बताए। सर पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपकी बेस में मैं ज्वाइन किया है जी, और मैं ज्यादा दूसरा तो वो नहीं बताऊंगा, लेकिन सर जो मैं जो डिफरेंट लगा है दूसरे क्लासेस से वो मैं बताना चाहता हूँ सर जी। पहले तो सर आपके क्लास से मुझे वो सीखना मिला थियर एंड फिट कॉन्सेप्ट, ओके। तो आज तक मैं जो कर रहा था वो अलग सर पूरा, ओके। लेकिन अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं टॉप पे रहूंगा और बॉटम पे बात करूंगा, वो मेरे को प्रॉपरली वो आ गया है। और दूसरा सर जो दुनिया कर रही है वो क्या उल्टा करना है, वो मेरे को सीखने को मिला है सर स्ट्रेटजीज। आप काफी अच्छा है आपका स्ट्रेटजीज, बिकॉज आई यूज टू फॉलो यू इन यूट्यूब, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज। आई वुड रियली थैंक यू फॉर द साइकोलॉजी व्हाट यू हैव मेड अस टू लर्न सर, दैट द रीजन आई वुड रियली थैंक यू फॉर द साइकोलॉजी। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। हेलो सर। हेलो जी, मैं आकाश बोल रहा हूँ सर। जी जी सर, सर मैं आकाश बोल रहा हूँ सर, मैं आजकल दिल्ली में रह रहा था सर, मेरे को सर मैं करीब करीब 1.5 साल से सर यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, और सर मैंने एक आध क्लासेस भी की सर। मेरे को इस क्लास में सर सबसे अच्छा क्या लगा सर, अब तक जो मैं पढ़ता आ रहा था सर, और उसके अंदर का जो बैकग्राउंड स्टडी होती है वो होता क्यों है सर, वो चीज समझ में आई सर। साइकोलॉजी, हर एक पैटर्न क्यों बनता है, फॉलिंग वेज का रीजन क्या है, राइजिंग वेज का रीजन क्या है, कब ब्रेकआउट देना है सर, जो आप स्टोरी पढ़ाते हैं सर, एक नंबर सर, एकदम मजा आ गया सर क्लासेस। सर यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, पर मैं बिल्कुल नया ट्रेडर हूँ। मैं बिजनेस तो अलग है, पर मैं अभी अभी इसमें ट्रेडिंग लाइन में आया हूँ। हाँ जी। पहले कैंडल क्या होती थी ना, वो मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था, बिल्कुल मतलब ये जो कैंडल स्टिक देख रहा था वो सिर्फ ऐसा दिख रहा था कि वो डांस कर रही है, पूरे के पूरे चार्ट में कैंडल स्टिक सिर्फ डांस कर रही है ऐसा ही दिख रहा था। फिर लेक्चर में मैंने देखा वो दोजी बन रही थी, ये सब नाम भी मैंने पहली बार सुना है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले सुन के आया हूँ या फिर कहीं पे अटेंड किया है, सिर्फ 10-15 यूट्यूब के चैनल देखे और आपका सीपीआर वाला देखा, उससे इम्प्रेस होके मैं यहाँ पे आया। और अभी
नहीं मैं कितना आगे कर पाऊंगा, पर प्रैक्टिस कर जितनी प्रैक्टिस की है उसमें 50% स्टॉप लॉस हिट हुए है और बाकी टारगेट हिट हुआ है. वेरी थैंकफुल फॉर यू सर. एक्चुअली आई एम फ्रॉम बैंगलोर. आई हैव बीन ट्रेडिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 8 months. But I never had a confidence in myself just because of watching your YouTube things. By the way you speak, I felt that there is a confidence, something in you. Well, there are lots of YouTubers where they don't have that thing. Thank you, thank you. So this is the part where I started joining your class actually. Mm-hmm. Later on, you said it's all about the psychology. It's not about the money management. Only worry about the stop loss. Don't worry about the profit. That was an excellent thing, sir. Everyone speaks about money, only about the profit. You only spoke about only stop loss. So far, you know about your loss. You don't need not to worry about your profit. Mm-hmm. If you know about your loss, definitely you are going to gain your things. Perfect. But definitely we need to work with the chart, sir. Once we get that psychology, definitely we're going to do it big, sir. I'm very thankful for you, sir. I'm very grateful for you, sir. You're such a confidence person. I like your positiveness and you're raw, sir. That's what I just want to say. I'm very thankful. Sir, pehli baat to aaj jab session khatam ho raha hai na, sir, to bahut bura lag raha hai. Ye sabse pehli baat. Sir, I'm so sorry. Bahut khush hu, sir. आपने जो पढ़ाया ना सर, मैंने आज तक ऐसा मेंटर नहीं देखा है. सही बता रहा हूँ, आप बोल के आपके मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ ये चीज जी. और तीसरी बात सर, स्ट्रैटेजीज मैं देख रहा हूँ सर, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया है सर जब से आपने बोला है. सर सब बैंग ऑन स्ट्रैटेजीज है, बराबर है. सब टारगेट देने वाली स्ट्रैटेजीज आपने पिलर बना के दे दिया है सर. अब इसमें जिसकी साइकोलॉजी जैसी रहेगी वो हिसाब से ट्रेडिंग कर सकता है सर. सही बात है सर. और चौथी चीज, आपको गुरु बना है सर, तो आपको एक बार मिलना है, बस इतनी ख्वाहिश है बस. बाकी सर बहुत थैंक यू सर, आपके सारे स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे थे. और मैं एकदम न्यू ट्रेडर हूँ इसलिए मैं अभी इसकी स्टेट भी नहीं ली थी, तो मुझे मालूम है बहुत सारे प्रॉब्लम्स और आएंगे शायद. बाकी देख के तो इजी लग रहा था. सबसे पहले सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी से मैं स्टार्ट करूंगी जी. Nobody has taught about the risk management, especially apart from our psychological. Risk management is very important. Correct. So that I learned from your YouTube channel initially, because honestly I'm telling that this is my third course, but nobody has teach the risk management. They will say simply 2%, 3%, but nobody has taught how to calculate the risk. Okay. I used to see the money in the YouTube channel. Then I attracted with your strategy. गणेश बोल रहा हूँ सर. तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी क्लास कभी बंद ही होने नहीं चाहिए, क्योंकि आपका रोज आवाज हमारे कान में गूंजे. दूसरी बात कि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ये मेरे क्लास होने के बाद आप दूसरा किसी का सेशन ज्वाइन नहीं करना, तो इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्लास हमारे लक्ष्मण रेखा की क्लास है. थैंक यू. और दूसरी कि जो आपने जो बताया कि 20% स्ट्रेटेजी और 80% साइकोलॉजी जो है, और ये आखिर में सही है जी. और आज तक मैं सोचता था तो मुझे मार्केट से ऐसा बता, मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि शेयर मार्केट एक सट्टा है, लेकिन आपकी क्लास करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये सट्टा नहीं है. इसकी पहले प्रॉपर स्टडी करो, बाद में आप देख लीजिए क्या है. एग्जैक्टली. आखिर में मेरी लास्ट एक ही सेंटेंस है, आखिर में मेरे दिमाग की बत्ती चली. एक्चुअली मुझे बेसिक का कुछ आइडिया नहीं था, आपकी क्लास से वो समझ में आ गई थोड़ी बहुत चीजें. ओके. बाकी सारे से ही होगी. और मैंने आपके टेलीग्राम में जो कॉल्स देखे थे,
उसको मैं चेक करती थी कितना मतलब प्रॉफिट आया कितना लॉस आया, उसको देख के मैंने यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब पे भी वीडियो देख के मैंने फिर अब क्लास ज्वाइन किया। और अभी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई जी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होगी बट बहुत सोच रही हूँ बहुत छोटा अमाउंट लेके मतलब आपने जो बताया 10,000 से स्टार्ट करो जी, और उसको मतलब उसी को फॉलो करना चाहती हूँ 10,000 लेके उसको डबल करना चाहती हूँ। मैंने काफी टाइम से मार्केट में काम करना चाह रहा था और बहुत सारे कोर्सेज भी किए, मेंटरशिप भी ले, लोगों से काफी काफी खर्चा किया मैंने, बट आपकी क्लास में आके ऐसा लग रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ। पहले जो काम करने में डर लगता था और जो चार्टिंग चार्ट मोच करना सिखाया, कंडीशन उसकी चेंज हो गई है। Very nice. तो अब लगता है कि ट्रेड करने में मजा आएगा। और कोई बिजनेस हो सपोर्टेड, कोई भी बिजनेस आपके यहाँ अचीवमेंट कुछ भी कर सकता है, आपकी क्लास लेने के बाद शायद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े जी। आपको क्या लगा शायद या वाकई में जरूरत नहीं पड़ेगी? जी सर, आपको क्या लगा शायद जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर वाकई में जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ सर, मैं अंजलि बैंगलोर से हूँ जी मैम, और आपने जिस तरीके से सिखाया ना सिर्फ टेक्निकली नहीं लेकिन साइकोलॉजी से भी इतना क्लियर हो चुका है कि मतलब अभी दूसरा कुछ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं बिगिनर हूँ, अभी 6 महीने से स्टार्ट किया मैंने, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब अभी सारा ये आपका जो भी आपने शेयर किया है जो भी ये किया ना उसे मैं बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकती हूँ, कितना कॉन्फिडेंस आ गया। सर मैं आविष्कार बोल रहा हूँ सर, पुणे से। जी आविष्कार, मतलब मैं अभी आपकी स्ट्रेटजी देख रहा था सर, एंड जो आपने फिबोनाची का दिया है ना सर, इट्स वर्किंग मतलब जस्ट लाइक क्रेजी, मतलब इट्स सो डैम पावरफुल सर। किसी भी मतलब रिट्रेसमेंट पे आप एक्सटेंशन लगा करके सिर्फ 1.61 के लेवल पे जा करके अगर मैं ये देखूं कि वहां पे शूटिंग स्टार है या फिर वहां पे त्रिशूल है, सिर्फ अगर मैं दो लेवल्स पकड़ लेता हूँ 0.68% और 1.61%, ये दो लेवल इतने पावरफुल है सर कि इट्स ऑसम सर। बिल्कुल सर, मैं एक ही चीज पकड़ लिया सर, मैंने फिबोनाची को भी पकड़ लिया, मतलब किसी भी स्टॉक में स्पेशली क्रूड ऑयल में ये हमेशा मतलब एक दिन में 1.61 टच करता ही करता है सर, ये मैंने देखा है। क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा है और इस 1.61 के लेवल पे या फिर 2.65 के लेवल पे अगर मैं आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न को कंबाइन कर देता हूँ फिबोनाची के साथ तो चार्ट चीख चीख के बोलता है कि यहाँ से आप मुझे ट्रेड करो। अच्छा, थैंक यू सर। मैं जापान से बात कर रहा हूँ अभी। जापान से? अरे वाह, हां जी हां, मैं पुनाका हूँ, रिटायर्ड पर्सन हूँ, एक साल हो गया रिटायर्ड होके। अरे वाह, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता, मैं बिंदु खेलता हूँ, लेकिन यहाँ जापान में आने के बाद लॉकडाउन की वजह से घूमना फिरना बंद हो गया। ओके, तो ये काम करता था, काफी 20,000 कमाया, 25,000 कमाया, बहुत सारा कमाया, लेकिन मुझे एक मेरे में कमी थी, मैं स्टॉप लॉस लगाना मेरे से होता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, तो जितना भी कमाता था उतना मैं किसी 2-3 दिन के अंदर निकाल जाता था मेरा सर। बराबर है, हाँ। तो यूट्यूब से सर्च करते 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 आपका मुझे सेशन मिला और आपका कॉन्फिडेंस देखे मैं काम चालू किया। जब पहले दिन आपका क्लास हो गया उसी दिन मेरे स्टॉप लॉस समझ में आया और पहले ही दिन आपका जो भी पैसा भी भरा था वो पहले दिन निकल गया, बाद में उसे लॉस नहीं लिया मैंने कभी। आज से 10 दिन में 5,000 10,000 11,000 मैं लेता ही हूँ और काफी सारी सब स्ट्रेटजी जो है मैं खेलते भी था, मुझे मिलता भी था, लेकिन स्टॉप लॉस मैं नहीं लगा पाता था। सही बात है, समझ गया मैं। मतलब बस जो और इसमें जापान में होने के कारण मुझे जो हरामी हरामी जो गाली का शब्द हम इस्तेमाल करते थे तो उसका एक प्रोनाउंसेशन अलग है, उसका नाम है हार्मी। हार्मी, यस, परफेक्ट। बस
इसीलिए मैं आप बहुत थैंकफुल हूँ संडे के बैच में मैं आपके साथ हूँ। हाँ सर, मैं आपका सीपीआर ओवरबिट स्ट्रेटजी और एसआरएम स्ट्रेटजी देख के आपको आपके क्लास को ज्वाइन हुआ था। ओके। और मुझे साइकोलॉजी चाहिए था पहले से। ओके। कैसे करना क्या करना निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या अच्छा आनंद जी एक बात तो बताओ यार, और आप हमेशा बोलते हैं ना सर लो पे बाय करो और हाई पे टोको, वो चाहिए था मुझे। हाँ, मिला। उसके उसके अलावा मुझे बहुत सारे चीज भी मिल गए सर, थैंक यू वेरी सर, बहुत ही पावरफुल है उसमें क्रोकोडाइल स्ट्रेटजी टिश्यू स्ट्रेटजी और हेड एंड शोल्डर बहुत पावरफुल है सर। हेड एंड शोल्डर वो वाला किताब वाला या हमारा वाला कौन सा? नहीं सर आपके आपके वाला। ओके थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपके लिए जी। अब सिर्फ किंग नहीं है सर, जी आपका YouTube में मैं टिप्स के लिए ढूंढ रहा था, कोई अच्छा वाला टिप्स मिल जाएगा हमको, कोई पैसा दे देगा ऐसा करके, कोई मेहनत लगाने के लिए कोशिश ही किया नहीं कभी जी। लेकिन 2008 से अभी तक मैंने एक रुपया भी कमाया नहीं सर, कम से कम 7 लाख हराया हुआ। ओह ओके, अपना हराया लेकिन छोड़ने का नहीं, मुझे एक पैशन है बनाने का, इसे कुछ करने का बारा, लेकिन इसलिए मैंने अच्छा शुरू को ढूंढ रहा था तो कभी मुझे मिल जाएगा कभी मुझे, तो मेरे 2010 में भी बैंगलोर में एक बड़ा आदमी है उसका पास जाके क्लास सुना, लेकिन उस क्लास में इस क्लास में मुझे क्या मिला पता सर, मेरा लाइफ टाइम का किसी का पास जाने का नहीं मुझे। And it was so nice that I could get into your class and more than the strategies, strategies तो सारे जो है YouTube में मिलते हैं और YouTube में है भी, but the psychology that you taught, it was very good. This was very appealing. Thank you so much. Thank you so nice much. Nice to be part of this bigger family. And we will continue to be in touch with. Actually, okay. My 1 year se trading kar rahi hu sir. Okay. So, maine capital only 10,000 se start kiya tha. Uske baad gradually maine ghumana shuru hua. 2.5 lakhs tak maine ghuma chuki hu isme. So, maine only YouTube videos follow kiya tha wo time pe. Kaise एक एक स्ट्रेटजी पता करती थी वैसे वैसे मैं करते जाती। ओके। वहां पे रखना था हाई को ऐसे पता लगाना था लोग, ये बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था। ओके। तो मैंने ऐसे ही सीपीआर आपका जो किंग रिसर्च का ज्यादा लाइक्स जो थे वहां पे, वहां से आपका नाम मुझे पता लगा, तो वैसे मैं यूट्यूब पे आपका वीडियो देखना चालू किया था। आपका सिंपल लैंग्वेज में थिंग्स को समझाना और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो काम की बात जो जी प्लस होके आपके कोर्स के बारे में मेरे हस्बैंड से मैंने बात की थी, तो परमिशन मैंने क्लास ज्वाइन किया था, जब से आपका क्लास ज्वाइन किया था मैंने फर्स्ट फॉर डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस फियर एंड ग्रीड का टेस्ट करना है, एंड एसएल जब लेती थी तो स्टॉप लॉस लगाती मुझे आपका कोर्स ज्वाइन होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक फास्ट में कर सकती हूँ, बिग टारगेट्स को कैसे पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाता है वो मैंने सीख, और चार्ट रिकग्निशन जैसे चार्ट को देखते ही मिड ऑफ द डे भी अगर मैं चार्ट देखती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ कहाँ जा सकता है कहाँ मुझे ले जा सकता है लॉस है या रैली है क्या है मुझे समझ में आ रहा है, हाई एंड लो का आइडिया भी आ रहा है, एंड प्री स्ट्रेटजी हैज इट्स ओन एफिशिएंसी, ऐसे नहीं स्ट्रेटजी इसमें
अच्छा है, वो अच्छा है, वैसा कुछ नहीं है। हाँ जी हर आपकी अपनी अपनी जगह एफिशिएंट है। ओके बहुत थैंकफुल है मतलब इतना लॉस करने के बाद मैं ऑलमोस्ट ट्रेडिंग छोड़ देना क्या ऐसे स्टेज पे मैंने आपको क्लास ज्वाइन किया है। ओके दैट इवन इट माइट टेक 6 months मोर देन 6 months बट आई विल डेफिनेटली मेक प्रैक्टिस इन जी एंड थैंक सो मच फॉर मेकिंग अस कॉन्फिडेंट टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट रियली आई एम वेरी थैंक्स सर। दिल से फीडबैक देना था सर। जी उदय जी प्लीज सर अभी क्या बोलो सर आपका जब मतलब क्लास ज्वाइन हुआ था सर तो मतलब पहले तो सबसे बड़ा थैंक यू सो मच सर आपको और थैंक गॉड कि आप मिले मुझे मतलब आपके क्लास ज्वाइन करने के बाद सर एक कॉन्फिडेंस आ गया सर पहले जो मतलब कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था सर मतलब मार्केट में मैंने ट्रेड भी किया है लेकिन बहुत बार ऐसे ही हुआ था कि 2-3 दिन प्रॉफिट और चौथे दिन वो पूरा बैच के साथ लेके जाता था तो मतलब लॉस होता ही था तो मतलब कहाँ पे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। तभी आपका यूट्यूब का चैनल भी ज्वाइन हुआ तो वहाँ पे मुझे सब मतलब आपकी स्ट्रेटेजी एक एक देख के फॉलो करना स्टार्ट किया सर तो उसमें मुझे मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और तभी लगा कि सर यही बंदा है और यही गुरु है अपने की जो अपने को मतलब सही रास्ते में ला सकते हैं। तो सर एक तो क्लास में मैंने जो सीखा है मेन तो सर आपकी साइकोलॉजी जो मतलब सही में बोलते हैं ना सर 60 नहीं सर ये 80% जबरदस्त काम करता है सर क्योंकि यही मेरे मतलब लैक ऑफ था कि मैं रिस्क बहुत बड़ा लेता था और स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं था और ओपन खेलता था तो इसकी वजह से बहुत बार मुझे लॉस हुआ है सर। ये आपकी साइकोलॉजी पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि अपन कहाँ पे एग्जैक्टली अपना रॉन्ग हो रहा था अपन। उसके बाद सर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है मतलब अभी मार्केट में जब भी मैं ट्रेड करता था तो कहीं भी एंट्री लेता था कहीं भी एग्जिट हो रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे एंट्री लू कहाँ पे करूँ और जब आप यूट्यूब पे बोलते थे कि ये टॉप पे ठोको लो पे बाय करो तो टॉप फाइंड आउट कैसे करना है और लो फाइंड आउट कैसे करना है वो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जब अभी क्लास में पूरा क्लियर हो गया सर ये कि टॉप फाइंड आउट कैसे करना है और लो फाइंड आउट कैसे करना है जो मेरा मोन मोटिव मतलब मेन मोटिव था सर आपसे सीखने का। okay. और स्टॉक सिलेक्शन सर जबरदस्त एकदम मतलब प्रीवियस डे पे स्टॉक सिलेक्शन कर रहा हूँ सर मैं मतलब 10 दिन में आप बोलेंगे नहीं ट्रेड नहीं किया एक भी लेकिन जो स्टॉक सिलेक्शन करके उसमें जो किया है ना सर वो जबरदस्त है सर मतलब जो स्टॉक सिलेक्शन करके मैं नेक्स्ट डे में उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना सर 101% सर वर्किंग मतलब क्या बोलू और स्ट्रेटेजी बोलू ना सर तो त्रिशूल स्ट्रेटेजी हाई पे हाई और लो की दो पे स्ट्रेटेजी अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो तो जबरदस्त है सर। और स्टॉप लॉस को दोस्त कैसे बनाना है ना सर वो सही में आपसे ही सीख सकता है आपसे ही सीखा है वो सर। और ये अभी पावर प्ले 1 पावर प्ले 2 बाद में ये अपना क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी है निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी है ईस्ट एनवेस तो जबरदस्त है सर मतलब जवाब ही नहीं है। और उसके बाद सर आज मैंने ये अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना ये मैंने हीरो होंडा पे ट्राई किया था तो सर मतलब जो पॉइंट दिया ना सर आपने उसी पॉइंट से वो मतलब रिवर्ट हुआ सर और कम से कम 50 पॉइंट दिए सर उसने मुझे मतलब 2090 से लेके 2140 तक गया सर वो तो इतना मतलब जबरदस्त आ गया सर। और ये मतलब क्या बोलू सर आप मतलब ये लाइफ टाइम आपका मतलब गुरु नहीं रहूंगा सर मैं मतलब ये मेरा अभी क्या बोलो सर और आपका एक क्लास देख के मतलब मुझे ये आ रहा था सर कि ये पूरा रामायण ही है सर ये रामायण ही पूरा पढ़ाया सर आपने क्योंकि देखो इसमें लक्ष्मण रेखा भी आ गई इसमें जहाँ पे मतलब बाइंग और सेलिंग कहाँ पे करना है कौन से पॉइंट पे आपको करना है बाइंग सेलिंग या मतलब कहाँ पे आपको एग्जिट होना है कहाँ पे ये लक्ष्मण रेखा आपने सिखा दी। और जहाँ पे हम बेहोश होते थे मतलब कि यार करना क्या है यार अभी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वहां पे आपकी स्ट्रेटेजी एकदम संजीवनी बूटी लेके आई सर। और दूसरा ये राम और रावण का युद्ध जब होता है फाइनल में तो कब कहा ब्रह्मास्त्र निकालना है कब सादे बाण निकालना है तो वो आपने सीखा सर मतलब यहाँ पे अपन और जिसमें अभी जिस स्टॉक ने अपने को लॉस किया है सर उसका रिवेंज कैसे लेना है अरे और मतलब कितना ब्याज के साथ तो वो आपने सीखा है सर। तो मतलब क्या बोलू सर ये आपके क्लास में
ये मतलब लाइफ का टर्निंग पॉइंट था सर मेरे लिए, इसीलिए दिल से मतलब दिल से थैंक यू सर। और मतलब आपसे मिलना चाह रहा हूँ सर, बाकी कुछ नहीं, जब भी लॉकडाउन खत्म होगा सर पहले आपसे मिलेंगे सर 101%। Definitely. और जो आपने होमवर्क किया है ना सर आपसे, मतलब आपने जो होमवर्क दिया था और हर टाइम में होमवर्क में देखता था तो उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा सर। तो मतलब समझ में आ गया सर, जितने भी आपने मतलब कम से कम एक दिन में 100 चार्ट 150 चार्ट लेते थे सर, तो उससे और ज्यादा क्लियरिटी आ गई सर। और जो आप बोलते ना छोटे छोटे पॉइंट पे, तो आपने 10 के कोई भी एक स्ट्रेटेजी पकड़ ली ना सर, तो उसी में अपना पूरा काम हो जाता है सर। मतलब अपना काम अपने जितने भी भाई दोस्त है मैं सबको वही करना कहना चाह रहा हूँ कि सर ने जितनी भी स्ट्रेटेजी सिखाई है सही में किसी एक को ही पकड़ लो और महीना भर यूज करो, आपको हर एक 101% उसमें होगा ही होगा। सही बात। और दिल से सर, दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मुकेश जी। एक्चुअली मैंने ये कोर्स फ्री में किया है एक्चुअली। अच्छा, ऐसे कैसे? हेलो। हाँ, आपने जो SBI का और HUL का कॉल लिया था ना, वो दोनों दो कॉल में ही काम किया था और दोनों में ही आपका पैसा वसूल हो गया। ओके। और ये उसी और ये जो भी आपने प्रॉमिस किया था वो सब आपने दे दिया, अभी जबरदस्त एक्सपीरियंस है। क्या बात है। और ये अभी रियली रेडी फॉर ट्रेडिंग विदाउट एनी टिप्स इंडिकेटर एंड एडवाइजरी। और ये सारे जवाब सवालों के जवाब मिल गए सर, पूरा कचरा निकल चुका है अभी, निकल गया जो पहली बार आता है। क्या बात है। यस यस, अजी फुल फोकस अभी मनी मैनेजमेंट पूरा एकदम परफेक्ट ब्रेन में घुस गया सर अभी। क्या बात है। और जो आपका जो है ना चिंदी स्टॉप लॉस देना है और टारगेट लाइक बिग शार्क, बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छा लगा। आपकी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी लगी और जो आपने त्रिशूल स्ट्रेटजी बताई ना और मल्टी गन फॉर्मेशन कितने लॉट में कब लॉट में काम करना है वो भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और जो आपने चार्ट की प्रैक्टिस की मोहर्क वगैरह ये सिखाने का तरीका है, एक्चुअली मैं टीचर हूँ ना तो इसलिए आपको मैं बता सकता हूँ कि आप यू आर द बेस्ट टीचर। तो किसको डांटना तो किसको सहलाना ये यानी कि बहुत अच्छा आप हैंडल करते हो सर। हाँ, दो लाइन में यानी कि बता रहा हूँ मैं, दिले तस्वीरें है यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उसे दूर था, आता ना नजर तो नजर का कुसूर था। क्या बात है। ये चार्ट में चार्ट हम भी देख रहे थे लेकिन आपने जो नजरिया दिया ना वो बहुत अच्छा था। थैंक यू। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video